सोचिए ना, जिस समय आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तुरंत एक रिफ्लेक्स पैदा होता है दिमाग में, एंड दैट रिफ्लेक्स पुशेस यू डाउन ऑन द बेड। मैं देखता था घड़ी में सुबह 5 बजे नींद खुलती है, थोड़ा सा सो लें, लेकिन जब 7 बजे नींद खुलती है तो लगता है अब तो सो ही लें। और उसमें भी अगर 7 बजे मुझे नींद में ये आ रहा है कि आज की रेस में वो तो जीत चुके हैं, तब तो और सो जाओ। कछुए और खरगोश की रेस से क्या सीखते हैं आप? खरगोश ही चिंता रहता था कि कौन कहां आगे बढ़ा के नहीं, कछुआ तो अपना चल रहा है, उसको मतलब, वो बेचारा, आप ही जान लीजिए कि आप कछुआ ही हैं, आप खरगोश की बराबरी कभी नहीं कर सकते, तो आप अपनी पेस पर धीमे धीमे चलें। अल्टीमेटली पहुंचना तो विनिंग पोस्ट पे है ना, बैंक में पैसा डालना है, यही तो चाहिए। 90% वाला भी उतना ही कमाता है जितना 100% वाला और जितना 70% वाला। लेकिन ये जो उस पैसे को एंजॉय करने का जो माइंड चाहिए, वो फर्टाइल ग्राउंड की तरह होता है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम इस हैबिट में जुड़ते जाते हैं कि उसका कितना मेरा कितना, तो हमारी जो किसी भी चीज को एंजॉय करने की जो माइंड की कैपेसिटी है, दैट बिकम्स हार्डन्ड। मतलब आप सुबह उठेंगे और एक वॉक पर जाएंगे, ठंडी हवा, चिड़िया की चूचू आपको सुनाई नहीं देगी कि दिमाग में क्या चल रहा है, उसके इतने थे, उसके इतने थे, उसके इतने थे। जबकि रियल लाइफ के जो जॉयज हैं वो छोटे छोटे जॉयज हैं।